हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा 4558 IC का बेस फिल्टर, जो कि दोस्तों सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट पर चलेगा और इसे आप किसी भी एम्पलीफायर में इजीली यूज कर सकते हो। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है और वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, वो भी दोस्तों एक एक कंपोनेंट को लगाकर, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप इसे बना सकें। दोस्तों, इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप 4558 IC की सभी पिन्स को देख लीजिए। दोस्तों, अब हमें 4558 IC की फर्स्ट और सेकंड नंबर्स पिन को आपस में शॉर्ट कर देना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों, अब हमें 22 का रजिस्टर चाहिए और इसे हमें IC की 3 नंबर पिन पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। देन दोस्तों, इसके बाद 10K की रजिस्टर चाहिए और इसे हमें IC की 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन पर कुछ इस तरह से लगा देना है। अब हमें 473 के PF चाहिए और दोस्तों इसे हमें IC की 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन के बीच में लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पर आप 104, 154, 563 PF यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें 1K का एक रजिस्टर चाहिए और इसे हमें IC की 6 नंबर पिन और 7 नंबर पिन पर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब हमें 100UF कैपेसिटर लेना है और इसे हमें IC की 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन के बीच में लगा देना है। अब हमें 104 के PF चाहिए और इसे हमें IC की फर्स्ट नंबर पिन और 22K के रजिस्टर के इस पिन पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अब हमें 10K का रजिस्टर चाहिए और दोस्तों इसे हमें IC की 5 नंबर पिन और 8 नंबर पिन के बीच में कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, हमें 100K का रजिस्टर चाहिए और इसे हमें IC की 7 नंबर पिन और 22K के रजिस्टर के इस पिन पर कनेक्ट कर देना है। अब हमें 680 ओम का रजिस्टर चाहिए और इसे हमें IC की 8 नंबर पिन पर लगा देना है। इसके बाद 1UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए और इसे दोस्तों IC की 6 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देना है। अब हमें 0.22UF कैपेसिटर चाहिए और इसे हमें IC की फर्स्ट नंबर पिन पर कनेक्ट कर देना है। देन दोस्तों, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसकी सभी वायरिंग्स और कनेक्शंस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सभी कनेक्शंस और वायरिंग अब हो चुकी है और अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें सप्लाई आ चुकी है और अभी हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो बेस फिल्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और दोस्तों, इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, ओनली बेस है।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।